राजस्थान सरकार अभी आनंदपाल और चतुर सिंह के एनकाउंटर से उबरी भी नहीं है कि गुजरात से सटे संचोर कस्बे में शुक्रवार को तेलंगाना की कुर्नूल पुलिस ने एक अपराधी का एनकाउंटर कर सरकार की नींद उड़ा दी है। इसमें एक राहगीरी महिला की भी मौत हो गई है। एनकाउंटर में मारे गए आरोपी के परिजनों और उनके समर्थकों ने इसे फेक एनकाउंटर बताते हुए संचोर में धरना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि देर रात्रि पुलिस महानिरीक्षक जोधपुर रेंज हवा सिंह धुमरिया भी संचोर पहुंचे थे। कुल मिलाकर यह मामला राजस्थान सरकार के लिए एक बार फिर गलफांस बनने की नौबत आ गई है। क्षेत्र के हडेचा रोड पर शुक्रवार को भागल भीम निवासी भीम सिंह के 35 वर्षीय पुत्र शंभू सिंह को गिरफ्तार करने आई तेलंगाना की पुलिस के बीच फायरिंग हुई, जिसमें भीम सिंह की मौत हो गई है। वहीं भीम सिंह की गाड़ी चला रहे विछाबाड़ी निवासी भारत कुमार पुरोहित को गोली लगी है, जिसमें वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। इधर भीम सिंह का पीछा कर रही तेलंगाना पुलिस ने राह चलती महिला को भी अपनी चपेट में ले लिया है, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही संचोर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इस दौरान घायल भरत कुमार पुरोहित को उपचार के लिए गुजरात रेफर कर दिया गया है। इधर भीम सिंह के शव को पोस्टमार्टम के लिए संचोर की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। वारदात की सूचना पर मौके पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं भीम सिंह के शव को सांचोर अस्पताल में लेने की जानकारी मिलने पर लोगों की भीड़ अस्पताल के बाहर जमा हो गई है। भागल भीम निवासी भीम सिंह वांटेड था, जो काफी लंबे समय से फरार चल रहा था। तेलंगाना की कुर्नूल पुलिस को जब भीम सिंह की जानकारी सांचोर क्षेत्र में होने की मिली तो उन्होंने उसे यहां गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन भीम सिंह फायरिंग कर वहां से भागने लगा। इस दौरान तेलंगाना की पुलिस ने उसका करीब 5 किलोमीटर तक पीछा किया। ऐसे में एक महिला पुलिस की जीप की चपेट में आ गई, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं फायरिंग में भीम सिंह की मौत हो गई। साथ ही भीम सिंह की गाड़ी भगा रहे विछवाड़ी निवासी भरत कुमार को भी गोली लग गई है, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी के मुताबिक यह एनकाउंटर तेलंगाना पुलिस ने राजस्थान पुलिस के बिना जानकारी का किया है। राज्य की एक पुलिस टीम कुछ अपराधियों का पीछा कर रही थी, जिसमें उनके द्वारा फायरिंग करने पर 2 इंजर्ड हुए थे, जिसमें एक की डेथ हो चुकी है और एक जो ये भीम सिंह की जो गाड़ी थी उससे एक महिला की एक्सीडेंट से भी डेथ हुई।